इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ मजेदार, कुछ फनी, कुछ इमोशनल तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कैमरे में रिकॉर्ड वीडियोस। अगर यह वीडियो कैमरेज में रिकॉर्ड नहीं हो पाते तो शायद आप इस पर यकीन भी नहीं करते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपका दिमाग ही हिला देगी। यहाँ पर देखिए कैसे ग्रुप में चोरी होती है। इस चोरी में तीन ग्रुप दोस्त हैं। सबसे पहले एक स्कूटी वाला कार के सामने आकर कहता है कि उनके टायर में कोई प्रॉब्लम है। तभी दोस्तों कार का मालिक कार से बाहर निकलता है और अपने टायर को देखता है। तभी दूसरे शख्स आते हैं, वो भी बोलते हैं कि टायर में आपका कुछ प्रॉब्लम है और उसको बातों में उलझा देते हैं। और पीछे से तीसरा चोर आकर गाड़ी से पैसे चुरा लेता है। दोस्तों इस चोरी में काफी ज्यादा प्लानिंग की गई थी। जरा इस वीडियो में देखिए तीन बेवकूफ बकलोल चोर। इस वीडियो में दोस्तों पहला चोर दरवाजा तोड़कर टीवी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे लाख कोशिश से भी टीवी निकलता नहीं। तभी दूसरा दोस्त आता है जो कि दरवाजे में टकराकर गिर जाता है। फिर अंदर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बाहर आ जाता है। तब तीसरा चोर जाता है और वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन ये दोनों मिलकर टीवी तो निकाल देते हैं, लेकिन टीवी टूट जाता है जिसकी वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और इन तीनों चोरों को खाली हाथ बाहर भागना पड़ता है। दोस्तों पुलिस वाले और आर्मी को काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि समय आने पर वो इस ट्रेनिंग का उपयोग कर सके। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह कार आ रही है और कैसे यह सोल्जर इस कार को चकमा देकर निकल जाता है। वहीं पर आम इंसान के लिए ऐसा करना मानो तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, यह तीन ईंट एक साथ रखकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर काफी प्रयास करने के बाद जब इनसे तीन ईंट नहीं टूटती तो बोलते हैं छोड़ो यार, एक ही तोड़ेंगे। लेकिन बेचारे वह एक ईंट भी नहीं तोड़ पाए और सभी अफसरों के सामने उनकी बुरी बेइज्जती हो गई। दोस्तों सऊदी अरब में रहने वालों के शौक नवाबी तो होते ही हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे सऊदी अरब के प्रिंस ने पूरे के पूरे एरोप्लेन को बुक कर लिया, अपने हर एक बाज के लिए एक एक टिकट बुक करी। जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे बाज सीट पर बैठकर सफर कर रही है। लोग एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करने के लिए क्या क्या नहीं करते, अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस वीडियो में दो अफ्रीकन अफ्रीका से यूएस जाने के लिए देखिए कैसे गद्दे के अंदर ही छुपकर जा रहे थे, लेकिन आखिर पकड़े गए। दोस्तों चोरी करना तो बुरी बात है, लेकिन चोरी करके पकड़े जाना उससे भी ज्यादा बुरी बात है। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि एक बैगेज हैंडलर कैसे इस शख्स के बैग में से सामान चुराने की कोशिश कर रहा था और उसने इस बैग में से ब्लूटूथ स्पीकर चुराया, लेकिन ये शख्स कैमरे में कैद हो गया जिसकी वजह से इसकी नौकरी तो गई ही गई, साथ में ये भी जेल में चला गया। तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाएं, अपने बैग में ताला लगा के जरूर जाएं। भले ही आप कितने भी सुरक्षित हो, लेकिन खतरा हर जगह होता है। जब आपके सुरक्षा करने वाले ही चोर निकले तो आप क्या ही कर सकते हैं। शादी के दिन कुछ लड़के इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि उनकी शक्ल देखने लायक होती है। अब जरा इस वीडियो में ही देख लीजिए। भाई साहब यह कैमरे का फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन इससे खतरनाक घटना तब हो जाती है जब भाई साहब का नाड़ा ही टूट जाता है और उनका पजामा नीचे गिर जाता है। भाई साहब कहने वाली बात है कि एक नाड़े ने भाई की इज्जत डुबा दी। दोस्तों कहते हैं ना, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही काम करना चाहिए। अब जरा इस भाई साहब को देख लीजिए। भाई साहब की शादी हुई और वो इतने खुश हुए कि अपनी बीबी को गोद में उठाने लग गए, लेकिन बीबी ठहरी हट्टी कट्टी और ये भाई साहब सुखड़ी हड्डी, तो देखिए क्या हो गया। शायद इसे ही कहते हैं खुशी के पलों में बेइज्जती का स्वाद चखना। इस वीडियो में एक शादी हो रही है, तभी प्रेस रिंग पहनाने को कहता है। तब पीछे खड़ा यह लड़का रिंग देने को जैसे ही आगे बढ़ा, बेचारे का पैर फिसला
और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गया। लेकिन खुद तो गिरा ही गिरा, लेकिन इसकी ठोकर की वजह से दुल्हन और प्रिस्ट भी पीछे पानी के स्विमिंग पूल में गिर गए। खुद तो डूबेंगे ही, साथ में एक नहीं दो लोगों को ले डूबेंगे। अब जरा इन दोनों को देख लीजिए। वेडिंग के अंदर अपनी एंट्री को काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए इन्होंने सीढ़ियों की जगह सीढ़ियों से फिसल कर नीचे उतर कर एंट्री लेने का प्लान बनाया, लेकिन हो गया इनका कुछ और ही। अब जरा इस वीडियो को देखिए, ये घोड़े पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस हरकत को देखकर घोड़ा भी बोल पड़ा, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों हमने सोल्जर और पुलिस वाले की ट्रेनिंग तो देखी, अब जरा देख लेते हैं उन बच्चों की भी ट्रेनिंग जो आगे इन फ्यूचर में सोल्जर बनने वाले हैं। जरा इस बच्चे की ट्रेनिंग देखिए। इस ट्रेनिंग को देखकर मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गया। जरा इस वीडियो में देखिए, इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये बच्चा तो रो ही पड़ा, लेकिन यही ट्रेनिंग इनके बाद में काम आती है और यही बच्चे बाद में बड़े बड़े सुरमा को भी धूल चटा देते हैं। अब जरा आप ही बता दीजिए कि जब आप इनकी उम्र के थे तो आप क्या करते थे, और आजकल के बच्चे को देखिए, इनकी उम्र के बच्चे आजकल फोन में फ्री फायर और पबजी खेल रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे यह बच्चा इस बड़े ट्रेन ऑफिसर को मिनटों में हरा दे रहा है। अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको भारत के कुछ डांसिंग ट्रैफिक पुलिस वालों को। दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का काम काफी ज्यादा बोर वाला होता है, उन्हें सुबह से शाम तक कड़ी धूप में रोड के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो कि इसको काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देते हैं। जहाँ पर पुलिस वाले अपनी जिंदगी को ना देखते हुए हमारी हेल्प करते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जरा इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये शख्स ट्रैफिक पुलिस के ऊपर गाड़ी चला रहा है। दोस्तों नियमों का पालन करो और दूसरों को बोलो कि वो भी नियमों का पालन करे। साउथ इंडिया में शादियों में दूल्हे को लुंगी पहनने का रिवाज है, लेकिन शायद कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में पहली बार लुंगी पहनते हैं और उनके साथ ही होता है ऐसा हादसा। इनकी लुंगी इतनी खराब बंधी थी कि दुल्हन का हल्का सा पैर पड़ते ही इनकी पूरी लुंगी बाहर निकल आई। ऐसी शर्मिंदगी भगवान किसी को भी ना दे। दोस्तों शादी के अंदर जो कांड हरामी दोस्त करते हैं वह कांड कोई और नहीं, इसलिए अगर आप अपनी शादी में किसी हरामी दोस्त को बुलाए तो उससे दूरी बनाकर रखें। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें दूल्हे राजा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तभी उनका शरारती दोस्त आ जाता है और वह कुर्सी के पीछे खड़े होकर अपने दोस्त को परेशान करने लग जाता है। पहले तो दूल्हा उसकी इस हरकत को सहता रहा, लेकिन जब वह दूल्हे के गाल खींचने लग गया तब दूल्हे राजा के सब्र का बाड़ आखिरकार टूट ही गया और वो अपने दोस्त को मारने लग गया, जिसके चलते दूल्हे की टोपी भी गिर गई और उसके बाद जो लड़ाई हुई वो देखने लायक थी। दोस्तों आप भी अपने शैतान दोस्तों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे ही डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।